और खबर अब उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार रविवार रात 8:30 बजे प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालंदी एक्सप्रेस बराजपुर और बिल्होर के बीच रेलवे ट्रैक पर रखे भरे LPG सिलेंडर से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि लोको पायलट को ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज़ दिखाई दी, जिसके बाद उसने ब्रेक लगाई, लेकिन उसके बाद भी वह चीज़ ट्रेन से टकरा गई, जिससे काफ़ी तेज़ आवाज़ आई। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर गार्ड और बाकी लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही RPF और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जाँच की। जाँच के दौरान रेलवे ट्रैक और झाड़ियों के पास मौके से भरा हुआ LPG सिलेंडर सहित अन्य संवेदनशील वस्तुएं बरामद हुई हैं। घटना के कारण ट्रेन करीब 20 मिनट तक खड़ी रही, जिसके बाद में उसको रवाना कर दिया गया। रेलवे की अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर RPF के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजिशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है।